हे हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथ फिर से एक न्यू सक्सेस स्टोरी है आपके साथ। आज मेरे साथ है अमन राज एंड ही इज फ्रॉम गया बिहार। इन्होंने सीएमए इंटर में ऑल इंडिया रैंक लेके आया है एंड वेल एज इनका सीएमए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक है एंड इनका सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन में जॉब लगा है। तो इनकी सक्सेस स्टोरी आज हम सुनते हैं और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज स्पेशली जब आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो एंड उसके बाद आप दिल्ली जैसे सिटी में जाते हो, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई करते हो एंड जॉब लेते हो, बहुत सारी चीज़ें, आपकी फैमिली की बहुत सारी उम्मीदें होती है आपसे, वो सारी उम्मीदों पे खरा उतरना, मतलब स्पेशली जैसे बिहार से मैं जुड़ा हूँ, मैं ऑलरेडी मैं बिहार से हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि जब हम बिहार से जब हम बाहर जाते हैं और हमारी फैमिली हमें बाहर भेजती है पढ़ने के लिए, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है और हमारे ऊपर कितना उस एक्सपेक्टेशन का एक तरीके से लोड होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अमन की स्टोरी सुन के। आइए सुनते हैं अमन की स्टोरी। हाय अमन, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हम अच्छे रोहन, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एज अ सीएमए एंड माई जर्नी। वेलकम वेलकम। सो अमन, थैंक यू। आप जैसे आप गया से हो, तो स्पेशली जब आपने कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया था, तो उस समय क्या आपका डिटर्मिनेशन था कि आपको कॉमर्स में क्या करना है आगे अपने कैरियर को लेकर? इस मामले में थोड़ा लकी हूँ। अर्ली स्टेज पे मुझे सीएमए के बारे में और सीए के बारे में 11th क्लास में कॉमर्स पता चल गया था कि सीएमए भी कुछ होता है, एक इक्विवेलेंट कोर्स है सीए के इक्विवेलेंट, और अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है इसमें, तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया। इसी के लिए मैं अर्ली स्टेज पे अपना करियर स्टार्ट कर पाया सीएमए में। सो आपने सीएमए आफ्टर ग्रेजुएशन स्टार्ट किया, राइट? नहीं, आफ्टर 12th मैंने ज्वाइन कर लिया अच्छा, था ट्वेल्थ सीएमए। के बाद आपने अपनी सीएमए ज्वाइन कर ली। तो आपने ट्वेल्थ के बाद हाँ, आपने पटना से किया था या फिर आप दिल्ली आ गए थे ट्वेल्थ कंप्लीट होती है? फाउंडेशन मैंने अपने होम टाउन गया से ही किया था। फाउंडेशन आफ्टर फॉर इंटरमीडिएट मैंने कोलकाता गया था। कोलकाता से मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और फिर वहां से फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया फाइनल्स के लिए। ग्रेट ग्रेट। सो आपने इंटर में भी रैंक लाया और फाइनल में भी रैंक लाया, तो क्या स्ट्रेटेजी था कि वन शॉट आपने चारों एग्जाम क्लियर किए और विथ रैंक? स्ट्रैटेजी मेरा सिंपल था। बेसिकली मेरा फोकस रहता था आपको स्टडी में तो अच्छा से प्रिपेयर करके जाना है और 3 से 4 टाइम रिवीजन मस्ट करना है आपका। मेरा स्टडी प्लान था, मैंने 8 सब्जेक्ट था उसको बट अगर 60 to 90 डेज लेता था, अप्रॉक्स 3 मंथ्स पहले मैं मुझे रिवीजन करना रहता था कम से कम, तो मैं अपना स्टडी प्लान उसी अकॉर्डिंग बनाता था कि फर्स्ट रिविजन मेरा 40 डेज में हो जाना चाहिए, नेक्स्ट रिविजन 20 डेज में और उसके नेक्स्ट रिविजन 10 डेज में, ऐसा प्लान करके चलता था। मैंने इंटर और फाइनल दोनों में कंसिस्टेंसी से किया, ये चीज फॉलो किया, इसी के लिए आई गॉट रैंक इन बोथ इंटर एंड फाइनल। तो जब आपने इंटर में रैंक लेके आया था, तो आपको कैसा फील हुआ था? मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिकॉज मतलब 10th 12th फिर इंटरमीडिएट, आप एक हाईएस्ट कोर्स में आते हो और वहां पे रैंक लेके आते हो, तो एक कैसा लेवल था आपका, फीलिंग था? एक्चुअली जब मुझे पता चला कि मेरा रैंक आया तो मैं शॉक था, क्योंकि हम लोग बेसिकली सोचते नहीं कि रैंक आ जाएगा हमारा, राइट हमारा परफॉर्मेंस इतना होगा कि ऑल इंडिया रैंक लेवल पे हमें जाना जाएगा। तो जब मुझे पता चला तो मेरे घर में उस समय गया मैं था अपने मम्मी पापा के साथ, हम लोग डांस करने लगे, इतना सडनली हमको पता चला कि रैंक आ गया। एक खुशी तो पहले पता सामने चल गई थी पास होने की, लेकिन जब रैंक पता चला तो लोग काफी खुश हुए थे हम लोग। एंड जब फाइनल में रैंक आया, तो फिर क्या मतलब, वो तो और ज्यादा सुपर एक्साइटेड वाला मोमेंट होगा। फाइनल में जब रिजल्ट था तो एक्चुअली मेरा क्या था कि उस दिन मेरे दीदी की रिसेप्शन थी, तो मैं रांची में स्टेशन पे जैसे ही पहुंचा मेरे दोस्त ने मैसेज किया मेरे को ओके दैट कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट रैंक ऑल इंडिया रैंक 37। मैं तो शॉक हो गया कि फाइनल में भी रैंक आ गया। ये जैसे इंटर में रैंक आते तो उसी खुशी, लेकिन फाइनल का डबल खुशी होता है, काफी तो एक्साइट था, काफी खुश हुआ। इंटर में ऑल इंडिया रैंक कितना था आपका? मेरा इंटर में ऑल इंडिया रैंक 30 था और फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 37। 37। तो अब एक्चुअली जैसे आपने रैंक लाया, आपने पूरा एकेडमिक आपका बहुत एक्सलेंट था, तो अब नेक्स्ट टारगेट था आपके लिए जॉब लेना एंड फैमिली की भी बहुत एक्सपेक्टेशन रही होगी जब आप क्वालिफाई करके हो गए। तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा था, क्या करना चाहिए, किस तरीके से, तो आपने क्या किया उस टाइम? कैंपस के लिए मैंने तो प्रिपेयर किया था काफी, मतलब जैसे एग्जाम के लिए रिवीजन करते हैं वैसे मैंने कैंपस के लिए प्रिपेयर किया था।
लगभग मेरा ऑलमोस्ट हर कंपनी में शॉर्टलिस्टिंग हो गया था, एक पीएफसी को छोड़कर और एक इरकॉन को छोड़कर सारे कंपनी में मेरा शॉर्टलिस्ट हो गया था। तो मैंने अकॉर्डिंगली सबका बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट सबका पढ़ा और इंडियस पे काफी ध्यान दिया, क्योंकि सीएमएस को सिलेबस में इंडियस नहीं है लेकिन इंडियस कम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रहता है इंडस्ट्रीज को कि आपको इंडियस आनी चाहिए। और बजट मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन बजट तक का ही पूछा गया था, तो मैंने एक पूरा ऑल राउंड पढ़ाई की कैंपस के लिए। मेरा गेल में भी सिलेक्शन हो गया था, बट जैसे कैंपस का रूल है कि आप जिसमें पहले शॉर्टलिस्ट हो गए या जिसमें पहले सिलेक्ट हुए वो आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, इससे के लिए मेरा इंडियन रेलवे हुआ, मैं इससे भी सेटिस्फाइड हूँ। नहीं, डेफिनेटली इंडियन रेलवे भी एक ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड इंडियन रेलवे तो मोनोपोली है। इंडियन रेलवे के अलावा किसी और का रेलवे होगा नहीं किसी के इंडिया पास में, नहीं। तो हाँ ये बहुत अच्छी बात है आपको इंडियन रेलवे में अपॉर्चुनिटी मिला। तो आपने जैसे आपने गेल में इंटरव्यू दिया था, इसके अलावा आपने और किस किस कंपनीज में इंटरव्यू दिया? जैसे शॉर्टलिस्टेड के अलावा आपको सारे कंपनी में आप इंटरव्यू दे नहीं पाए होगे, बिकॉज इतनी सारी नहीं नहीं सिलेक्शन। सारे भी मैंने इंडियन रेलवे में इंटरव्यू दिया था, गेल में दिया था और इंडियन ऑयल में जीडी एंड जीटी कंडक्ट हुआ था, उसमें मैंने ओके पार्ट लिया था। तो ओके आफ्टर जीडी एंड जीटी आईओसीएल में जब हो गया तो मुझे पता चला कि मेरा आईआरएफसी में हो गया और मुझे अलाउ नहीं है किसी और में बैठने के लिए। ओके तो जब आपका आईएफआरसी में हुआ एंड आपको ऑफर लेटर मिला होगा, उसी टाइम जनरली और कंपनी दे देती है ऑफर लेटर या अनाउंसमेंट कर देती है, तो मतलब क्या खुशी था आपका? खुशी तो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था न्यू इंडियन रेलवे ज्वाइन करने के लिए फाइनेंस कॉर्पोरेशन, क्योंकि शुरू से था कि फाइनेंस में जाना है और करियर अच्छा बनाना है, और जब पता चला कि इंडियन रेलवे में हो गया तो बहुत खुशी हुआ था। फर्स्ट जॉब कैंप, मुझे लगता है कि कैंपस से बेटर अपॉर्चुनिटी है वो कहीं नहीं मिल सकती, डेफिनेटली नहीं मिल सकती। और कैंपस में सेलेक्ट होना अपना मैं लगा कि हाँ मैंने सही किया है, अच्छा तैयारी किया, इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया था मेरा, तो एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा मेरा तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कैंपस कॉर्पोरेशन। में इंग्लिश का कितना इम्पोर्टेंस था वहां पे? कैंपस में बेसिकली पीएसयू में आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल सकते हैं, बाकी आपका प्राइवेट्स में तो इंग्लिश ही चलता है। मैंने टाटा का और वेदांता का जीडी क्लियर किया था, मैंने प्रॉपर इंग्लिश में था, उनका जीडी कंडक्ट हुआ था तो मैंने क्लियर किया था, तो आपको इंग्लिश भी आना चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत मस्ट है सो अमन, कैंपस में। जैसे जब आपने कोलकाता कैंपस में पार्टिसिपेट किया था ना, नहीं, मैंने दिल्ली कैंपस में दिल्ली पार्टिसिपेट कैंपस में, सो जब आपने दिल्ली कैंपस में, तो उस समय आपके साथ आपकी फैमिली नहीं रही होगी जब आपका सिलेक्शन हुआ था, आपने घर पे नहीं नहीं कॉल नहीं किया हाँ होगा, तो जब आपने घर पे कॉल करके पापा को बताया, तो मतलब उनका क्या रिएक्शन था? बिकॉज बहुत स्पेशल रिएक्शंस होते हैं फैमिली मेंबर्स के। इसे पापा मम्मी तो रोना स्टार्ट कर दिए थे खुशी से कि फाइनली मेरा, बहुत गर्व की बात है कि तुम इतना अच्छा किए, बस ऐसे आगे तरक्की करो, दोनों रोना स्टार्ट कर दिए थे। और तो आपके मम्मी आपके तो दादाजी काफी, हैं, दादाजी हैं या नहीं है? हाँ अच्छा दादाजी है, दादाजी भी अच्छा बहुत खुश हो गए थे कि गर्व से छाती मेरा चौड़ा कर दिया, थोड़ा बिहार में रहता है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो और खुश हाँ, होते हैं बिहार लोग। में गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा रहता है, आप तो शादी के लिए बहुत रिश्ते आएंगे। अभी तो एसीसीए करने का प्लान है, अच्छा, और मैं हाँ ऑलरेडी कर रहा हूँ, अगर कुछ सपोर्ट चाहिए होगा तो जरूर कनेक्ट कर सकते हो आप। जरूर जरूर कनेक्ट करूंगा उसके लिए। हाँ तो बहुत अच्छा लगा सुन के। आप बच्चों को कुछ टिप्स, कुछ सजेशंस जो आप देना चाहते हो? मेरा सजेशन रहेगा मेरे जूनियर्स को कि कंसिस्टेंसी से सब फॉलो कीजिए, और क्लास करते टाइम हमेशा नोट्स प्रिपेयर कीजिए फ्यूचरिस्टिक सोच के कि आपको नोट्स पढ़ना है फ्यूचर में, तो नोट्स ऐसा प्रिपेयर कीजिए कि कभी हम उस नोट्स को पढ़ें, और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम से पहले, क्योंकि हमारा सीएमए एग्जाम है, अगर बोथ ग्रुप अटेंड लेते हैं तो गैप नहीं है, तो आपको वही शॉर्ट नोट्स आकर बहुत हेल्प करेंगे, तो अपना प्लान बना के चलिए और कंसिस्टेंसी से फॉलो कीजिए उसे। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जब आपने कैंपस में पार्टिसिपेट किया था तो आप फ्रेशर थे, तो ऐसा होता है ना कि मतलब कि ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी कैंपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगता है यार कि कंपनी एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करेगी या मुझे फ्रेशर्स को हायर करेगी, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आया था? ऐसा आया था मेरे दिमाग में बट ऐसा था नहीं, कैंपस में वो ऐसा माइंड बना के आते हैं कंपनीज भी कि हमें फ्रेशर लेना है या एक्सपीरियंस लेना है, और फ्रेशर को भी उन्होंने अच्छा अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि वो जैसे पीसीएस तो खासकर कि फ्रेशर है वो जानते हैं कि फ्रेशर है,
इसको फ्रेशर जैसा ही ट्रीट करते हैं और एक्सपीरियंस वालों को एक्सपीरियंस जैसा ही ट्रीट करते हैं। सो आई थिंक आईएफआर से इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का पैकेज आई थिंक 14.5 लाख के अप्रोक्स था कैंपस में, 15.45 का उन्होंने पैकेज कैंपस में ऑफर किया था। तो आई थिंक काफी ह्यूज अच्छा पैकेज इन्होंने भी ऑफर किया है कैंपस में। एंड बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आप बिहार से आप दिल्ली गए एंड अपने सीएमए जर्नी कंप्लीट किए एंड अपने घर वालों का, बिहार का, सबका नाम रोशन किया आपने। ऐसे ही आगे फ्यूचर में भी करते रहो आप, मुझे भी अच्छा लगेगा सुनकर। सो थैंक यू, गॉड ग्रेस था कि मैंने इतना अच्छा कर पाया, मैं एकेडमिक में भी और बस प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा करना है, सीए का ब्रांड बनाना है और स्ट्रॉन्ग करना है ब्रांड नेम। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि जैसे आप कैंपस में गए उससे पहले आपने मेरी कोई सी भी वीडियोज को आपने रेफर किया था कभी ऐसा कि कैंपस में जो आपको हेल्प किया हो मेरी वीडियोज? मैंने आपका नोट्स आपके साइट से नोट्स भी पढ़ा था मैंने क्वेश्चंस का, ओके उससे भी प्रिपेयर किया था मैंने। मैं आपका यूट्यूब चैनल काफी फॉलो करता हूँ, ओके, तो मैंने नोट्स भी उससे पढ़ा था और क्वेश्चंस भी देखे थे और आपका जो इंटरव्यू होता है एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ जिनका कैंपस हुआ है वो भी देखा था मैंने कि क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब मैंने किया था फॉलो अप। मतलब सारे वीडियो जी इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल थी आपके लिए? काफी हेल्पफुल थी और स्पेसिकली जो क्वेश्चंस आपने वेबसाइट पे लगाए हुए रखे थे बेसिक्स के काफी हेल्पफुल थे वो। थैंक यू। तो हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं एंड होप सो कि बच्चों को भी काफी अच्छा लगा हो ये सेशन एंड वो भी अमन को फॉलो करें एंड आगे आप इनकी जर्नी से आप सीख सकते हो कि लाइफ में कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए क्वालिफाई करना है और एक अच्छा कैंपस आप लेके जा सकते हो। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू रोहन।